फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको किसी फोटो का साइज को कम करना है, तो अगर कहीं पे आप किसी फोटो या फाइल को अपलोड करना चाहते हैं और इसका साइज जो है आपको कम करना है। मान लीजिए किसी भी पिक्चर का साइज जो 1 MB है, 2 MB है, उसका साइज मान लीजिए किसी वेबसाइट में दिया हुआ है कि मैक्सिमम आप 200 KB तक उसको अपलोड कर सकते हो, उससे ज़्यादा साइज का कोई भी फाइल या फोटो आप अपलोड नहीं कर सकते, तो आप कैसे कम कर सकते हो? बहुत ईजीली कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो उनको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, किसी फोटो को साइज देखना है। तो किसी भी पिक्चर या डॉक्यूमेंट का साइज कैसे चेक करना है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे इसके मैं यहाँ पे इस फोटो के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, उसके बाद आप नीचे देख सकते हो प्रॉपर्टीज की तरफ, तो प्रॉपर्टीज में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साइज दिख जाएगा। तो जैसे इसका साइज 1.98 अप्रॉक्स 2 MB का फोटो है, तो इसको क्या करना है, अभी साइज कम करना है। तो मैंने पहले से यहाँ पे जो है एक साइज करके रखा है इसका, तो इसको राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में चेक करते हैं। तो इसका जो है 188 KB है, तो इसको अप्रॉक्स 10 times तक इसका साइज जो है मैंने कम किया है। तो यहाँ पे मैं फिर से इसको कम करके दिखाता हूँ। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर आपको ओपन विथ में जाना है। यहाँ पे आपको ओपन विथ दिखेगा, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, तो इसमें क्लिक करना है। तो पिक्चर मैनेजर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर जो है, अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल होगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखेगा एडिट पिक्चर, तो इसमें क्लिक करना है, और राइट साइड में आपको दिखेगा रिसाइज लिखा हुआ, तो इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल विड्थ हाइट यहाँ पे दिख जाएगा, तो इसमें आपको ड्रॉप डाउन ड्रॉप अप ऑप्शन मिलेगा। तो इस साइज़ में आपको यहाँ पे 100 है, तो इसका जो ओरिजिनल साइज़ है इसको आप कम कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे आपको जितना परसेंट रखना है तो आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे अभी मान लीजिए 30% रखना है, तो 30 तक रख देता हूँ, फिर ओके। तो यहाँ पे ओके कर दिया। तो अभी इसको क्या करना है, इसको जो है क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे क्लोज, फिर यहाँ पे जो है हमने जो चेंज किया है उसको सेव करने के लिए या डिलीट करने के लिए बोल रहा है, डोंट सेव बोल रहा है, तो हमें सेव करना है। तो डोंट सेव करेंगे तो इसका जो है साइज चेंज नहीं हुआ, तो इसको हम सेव में क्लिक कर देंगे, और अभी जो है सेव हो गया। तो अब रिफ्रेश करके फिर यहाँ से चेक करेंगे, तो अभी जो है इसका साइज़ जो है 170 KB यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका साइज़ जो है कम हो गया। तो इसी तरह से आप किसी भी फोटो फाइल का साइज़ जो है कम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतने, वीडियो अच्छा लगे तो उनको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।